हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज हम नंबर सीरीज़ का पार्ट टू करेंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट वन देखिए, उससे आपको इस लेक्चर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इवन हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के साथ ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे और मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड। सो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ पार्ट वन का नंबर सीरीज़ के। तो नंबर सीरीज़ के पार्ट वन में हमने ये देखा था कि नंबर सीरीज़ की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन से टाइप के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक के ऊपर, ज्योमेट्रिक के ऊपर, उसके बाद स्क्वेयर्स, क्यूब्स, अल्टरनेट सीक्वेंस और मिक्स सीक्वेंस में आते हैं, कॉम्बिनेशन के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें हमारी अप्रोच ये थी कि सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर सीरीज़ होगी उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो आज में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के बेसिस पे जो हमने उस दिन पढ़ा था, उसी के ऊपर बेस्ड हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 32, 44, 58, 74, 92, 112 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो है 12 का, 14 का, 16, 18, 20 कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो उसके बाद हमने जब डबल डिफरेंस किया तो हमारे पास वो डिफरेंस आया सबका 2। तो जो हमारे पास लास्ट 20 है और उसके साथ ब्लैंक है, उसका डिफरेंस भी हमें 2 मिलेगा, क्योंकि बाकी बाकी जो टर्म्स उसका डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो ये जो 2 डिफरेंस है, इसकी वजह से 20 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 20 + 2, 22 उस ब्लैंक के प्लेस पे। और ये 22 डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, 112 और क्वेश्चन मार्क का। तो हमारे पास मिसिंग टर्म क्या आएगी, 112 + 22 = 134। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है 121, 114, 105, 94, 81, 66 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी वैसी वही अप्रोच के साथ, बट इसमें एक चीज़ डिफरेंट है उससे, वो सीरीज़ इंक्रीजिंग थी, ये डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग में हम सब्ट्रैक्ट करते हुए जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, तभी ये मैंने नेगेटिव साइन लगाया है यहाँ पे। तो 121 और 114 में डिफरेंस है 7 का, 114 और 105 में 9 का, 104 और 105 और 94 में 11 का, 94 और 81 में 13, 81 और 66 में 15, और कुछ और 866 और क्वेश्चन मार्क में फाइंड आउट करना है हमने। तो जब डबल डिफरेंस किया तो वो 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15। तो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस भी 2 आएगा, तो 15 के साथ क्या ऐड होगा, 2 17। तो हमें देखा कि ये सीरीज़ नेगेटिव में थी, सॉरी डिक्रीजिंग में थी। तो 66 - 17 हमारे पास टर्म क्या आई, 49। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, 16, 25 क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज़ मैंने दो मेथड से इसलिए की कि आपको इसमें डबल डिफरेंस डिफरेंस से भी बता दूं और स्क्वायर से भी बता दूं। तो पहले राइट हैंड साइड देखते, जो हमारी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए, सपोज़ आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करता है तो आप उसी अप्रोच के साथ जाएंगे डबल डिफरेंस की। तो 149, 16, 25 क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास क्या डिफरेंस आया, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का। तो जब हमने डबल डिफरेंस किया तो 2 2 2, तो नेक्स्ट डिफरेंस भी 2 आएगा, इसका मतलब 9 के साथ 2 ऐड होगा। तो उस 25 और उस क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस मिला हमें, तो 25 + 11 क्या आया, 36। तो ये तो एक हमारे पास बेसिक मेथड है। जब हम दूसरा मेथड यहाँ पे जो हमें उस दिन मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था, तो उसमें क्या था कि 1, 4, 9, 16, 25 क्या है, स्क्वेयर्स हैं ये। अगर आपको स्क्वेयर्स लर्न करेंगे आप तो आपको ये विजिबल होगा कि ये आप देख के ही बता देंगे ये चीज़, और ये क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, 6 का स्क्वायर। और ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, नेचुरल नंबर्स यानी जो 1 के से स्टार्ट होते हैं। तो मिसिंग टर्म क्या आई, 6 का स्क्वायर = 36। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें है 20, 19, 17 क्वेश्चन मार्क, 10, 5। और ये सीरीज़ भी डिक्रीजिंग है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 20 और 19 में 1 का डिफरेंस, 19 और 17 में 2 का डिफरेंस, 10 और 5 में 5 का डिफरेंस, क्योंकि बीच में हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है जब बीच में हमें नंबर मिसिंग होता है, क्योंकि वहाँ पर
जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे दो ब्लैंक्स बन गई हुई हैं, तो दो ब्लैंक्स की वजह से हमारी अप्रोच में कभी कभार कुछ हमें एज्यूम करना पड़ता है, जैसे 1 2 ब्लैंक और 2 ब्लैंक का 5 है। तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है जो 2 टर्म्स हैं यहाँ पे क्या आ सकता है, 3 और 4, तभी तो वो सेम आएगा ना, 1 2 3 4 5, तभी तो वो एक पैटर्न फॉलो करेगा, और नंबर सीरीज एक पैटर्न बेस्ड होता है नंबर सीरीज में। तो फर्स्ट ब्लैंक पे जैसे मैंने रखा 3, तो देखिए मेरी 4 टर्म क्या आएगी, 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14। मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग में है, ये तो डिक्रीज होता जा रहा है। तो वेरीफाई करने के लिए अब मुझे वहाँ पे 14 आया, तो मुझे वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये ठीक है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लैंक्स मिसिंग है, 2 ब्लैंक्स मुझे फिल करनी है। तो फिफ्थ टर्म क्या आएगी, 14 माइनस 4 10, और जब मैंने वेरीफाई किया तो मैंने देखा कि मेरे क्वेश्चन में भी फिफ्थ टर्म 10 दी हुई है, तो जो मेरी अप्रोच है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 3 4 ही आएगा। तो उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, 4 माइनस 8 16 माइनस 2 32 64 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये बेसिकली, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को देखा तो मैंने उसमें बताया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीरीज़ होती है, तो उसमें क्या था, 4 माइनस 8 16 माइनस 2 32 64। तो इसमें कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, -2 का, वो कैसे, कॉमन रेशियो आता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, यानी जो n+1 टर्म होती है उसके पीछे वाली टर्म की एन टर्म के साथ डिफरेंस डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है, सेकंड का फर्स्ट के साथ, थर्ड का सेकंड के साथ, फोर्थ का थर्ड के साथ। तो ये जहाँ यहाँ पे मैंने जब किया तो वो आया -2, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 64 इंटू -2 -20 -128। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 6 12 20 30 42 56 क्वेश्चन मार्क। देखिए ये वही हमारी सिंपल अप्रोच, डबल डिफरेंस, तो डिफरेंस किया मैंने तो 4 6 8 10 12 14 और क्वेश्चन मार्क और 56 का हमें फाइंड आउट करना है। तो जब मैंने डबल डिफरेंस किया तो 2 2 आया सब। तो देखिए आप फर्स्ट डिफरेंस से भी बता सकते थे, क्योंकि 4 6 8 10 12 14 आया, तो इसका मतलब ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 16, तो ये टर्म इंक्रीजिंग है, तो 16 के साथ मुझे ऐड 16 को मुझे ऐड करना पड़ेगा किसके साथ, जो इसकी प्रीवियस टर्म होगी, तो वो प्रीवियस टर्म क्या होगी, 56 प्लस 16 72। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 27 32 30 35 33 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें मैंने दो मेथड से इसलिए किया है कि एक तो ये अल्टरनेटिंग है और दूसरी, और इसको हम दूसरी अप्रोच के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी है 27 32 30 35 33 क्वेश्चन मार्क। तो 27 प्लस 5 32 32 माइनस 30 2 30 प्लस 5 30 और 35 जब ऐड किया तभी 35 आया, 35 माइनस 3 2, उसके बाद 33 क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट। तो हमें देख रहे हैं कि प्लस फाइव और माइनस टू का, उसके बाद -2 प्लस 5 -2, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आपको फिर भी श्योर होना है तो आप एक और बार उसको डिफरेंस कर सकते हैं, 5 में से 2 3, 2 में से -5 जब जाएगा तो -3 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3, तो यहाँ पे मुझे 3 माइनस 3 इस टाइप का एक पैटर्न मिलेगा। तो अगर फिर भी डाउट होगा तो एक और स्टेप करेंगे, 3 माइनस 3 कितना आएगा, 0, -3 और 3 0, तो दो दो बार 0 मिला, तो मैं लास्ट में भी 0 कर सकता हूँ, क्योंकि 0 एंड में सब में 0 मिल रहा है। तो लास्ट वाले को 0 बनाने के लिए जो मेरी लास्ट वाली ब्लैंक है वहाँ पे मुझे -3 फिल करना पड़ेगा, तो -3 आया तो 0 आया, अब उसके ऊपर उससे नीचे जो ब्लैंक है उसमें -3 फिल करना पड़ा, तो उसके लिए मुझे ऊपर क्या फिल करना पड़ा, 5, क्योंकि 2 में से -5 जाएगा तभी -3 आएगा। तो लास्ट में मेरी टर्म क्या बनेगी, 33 प्लस 5 38। ये तो एक अप्रोच हुई, और दूसरी अप्रोच जो हमारी अल्टरनेटिव सीक्वेंस की होती है, देखिए 27 32 30 35 33, तो ये दो टर्म्स हैं, दो सीरीज़ हैं, 27 30 और 33 एक सीरीज फॉलो कर रही है और दूसरा 32 35, और ये मिसिंग टर्म, तो क्योंकि यहाँ पे 27 और 30 का डिफरेंस 3, 30 और 33 का भी 3, उसके बाद 32 और 35 का 3, तो इसके बाद वाली टर्म क्या आएगी, +3 38। जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी इसी मेथड से हो सकता है, उसको आप सबसे पहले देखिए कि 2 3 5 6 जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन राइट हैंड साइड वाला जो मेथड है वैसे ही डिफरेंस आएगा,
तो उससे भी आप कीजिएगा एक बारी, तो और उसके बाद बताइएगा कि उसका डिफरेंस उस मेथड से ये क्वेश्चन का आंसर सेम आता है कि नहीं कमेंट्स में। तो उसके बाद जब मैंने नॉर्मल अप्रोच अपनी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस वाली लगाई तो उसमें क्या हुआ, 2 5 question mark 11, तो दूसरी वाली सीरीज़ क्या बनेगी, 3 6 9 12। तो हमें कौन सी सीरीज से आंसर मिलेगा, 2 5 question mark 11 वाली से। तो वहाँ पे क्या आएगा, 3 का डिफरेंस होगा, 5 प्लस 3 8, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, 8। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आपको जो भी क्वेरीज होंगी क्वांट से रिलेटेड या फिर और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हमसे पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।